हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू टू यूट्यूब चैनल किस्टन नॉलेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग काइन मास्टर के थ्रू जो कि एक वीडियो एडिटिंग ऐप है फॉर द यूट्यूबर्स जो कि मोबाइल से यूट्यूब बनाते हैं। तो काइन मास्टर में ऐसा क्या होता है कि उसका एक वाटरमार्क रह जाता है ना। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग पूरा ये प्रोसेस रहेगा कि कैसे मैं काइन मास्टर के थ्रू वीडियोज़ बना रहा था अभी कुछ दिनों से, और अब मैं जो बना रहा हूँ वीडियो वो एक्चुअली काइन मास्टर से ही बना रहा हूँ। और आप देख रहे होगे कि यहाँ पर इसका वाटरमार्क नहीं है, ठीक है। तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से आप वाटरमार्क हटा सकते हो और आप भी एक शानदार वीडियो बना सकते हो इससे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों आपको कि प्ले स्टोर के थ्रू आप एक APK एडिटर डाउनलोड कर लें, जैसा कि आप देख सकते हो। ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है, सो मैं यहाँ ओपन कर रहा हूँ, आप प्लीज़ उसे डाउनलोड कर लें। देन आप पूरे प्रोसेस को देख सकते हो, फिर इसके थ्रू आप अपने काइन मास्टर को ओपन कर लो, है ना, फुल एडिट, ठीक है। ये ओपन हो जाएगा, थोड़ा टाइम ले सकता है। इसके बाद आपको फाइल्स पे क्लिक करना है। फाइल्स पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेंस दिखेगा। इसको मैं स्क्रॉल करके देखता हूँ, यहाँ आपको एक RES करके एक कहीं फोल्डर होगा, वो आपको खोजना पड़ेगा, है ना। तो RES करके एक फोल्डर है, हाँ ये रहा। और आप TXT देख सकते हो, यहाँ पे लिखा होगा, उस पर क्लिक कर लो ताकि उस पर कलर ना रहे, और वाटरमार्क इंटर करके उसको सर्च करना है। तो जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपको कुछ इंटरफेसेस दिखेंगे, और आपको ये इस पर क्लिक करना है और इसको एक्सट्रैक्ट करना है, जहाँ भी जो भी लोकेशन पे आप चाहते हो उसको उस लोकेशन पे एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ अपने लोकेशन पे, उसको याद रखना कि आप किस लोकेशन पर उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ माय मूवीज़, ओके, ठीक है, मैं यहाँ एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। इस तरह से आपको जो जो मैंने यहाँ पर दिख रहा है उसको केयरफुली भाई देखना है ना, उसको ही आपको हटाना है ना, क्योंकि आप देखना वहाँ पे एक सिंबल रहता है और एक काइन मास्टर रहता है, तो वो आपको एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो उस एक को तो मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है, दूसरा वाला जो हमारा है एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ये वाला, ठीक है। तो इसे आप एक्सट्रैक्ट कर लो अपने डिज़ायर लोकेशन पर, जो भी जहाँ भी आपने माई मूवी जैसे मैंने किया था, तो आप भी उस लोकेशन पर उसको एक्सट्रैक्ट कर लो, ठीक है। तो ये भी हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया है। और एक जो सिंबॉलिक कह लो या काइन मास्टर लिख करके आता है ये ना, इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं हम। तो ये भी हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया है। अब ये एक्सट्रैक्ट हो गया है, इसको अब अपने फाइल को खोलें जहाँ पे आपका एक्सट्रैक्ट हुआ है, उसको वहाँ पे माई मूवीज़ पर ये एक्सट्रैक्ट होके गया है। तो माई मूवीज़ ओपन करोगे तो आपको ये तीनों दिख जाएंगे। अब आपको क्या करना है, एक पिकार्ट डाउनलोड करना पड़ेगा, ऐप है प्ले स्टोर पर, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, है ना। तो आपको उसको उससे इस तीनों को क्या करना है, ओपन करना है, ठीक है। तो मैं पिकार्ट के थ्रू ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करने के बाद आप पूरा प्रोसीजर यहाँ देखना कि जैसे 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 मैं कर रहा हूँ आप उसी को फॉलो करो। चूँकि क्या करना है, इसको यहाँ से हटाना है मुझे, है ना। तो ड्रॉ पे क्लिक किया, ड्रॉ करने के बाद फिर ये एक पैटर्न बना है, उस पर क्लिक करके इसके आई वाले पार्ट को ऑफ कर दिया है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और इसको फिर से गैलरी में आपको सेव कर लेना है। ये एड्स हैं भाई, इसे हटा लेता हूँ मैं अगेन। सो ये गैलरी में आपको क्या करना है, इसको सेव कर लेना है, तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको आपके जो रेस्ट दो हैं माई फाइल्स में जा कर के उनको भी पिकार्ट से एक एक करके ओपन कर लेना, और उसे जिस तरह से आपने पहले वाले को किया है उसी तरह से सेम आपको क्या करना है, उसको भी डिलीट कर लेना है, या फिर कह लो जिस तरह से मैं इसको स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ वो फॉलो स्टेप्स आपको करने हैं, ठीक है। तो ये दूसरा भी हो गया है गैलरी में, इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ।
तो ये मेरा लास्ट जो तीसरा था इसको भी मैंने गैलरी में सेव कर लिया है। इसका पिकार्ड की कोई ज़रूरत नहीं, इसको मैंने हटा दिया है। फिर से मैंने फाइल्स ओपन किया है और जो पिकार्ड के थ्रू चूँकि मैंने इन तीनों को एडिट किया है तो ये पिकार्ड वाले फ़ोल्डर में जाके वो तीनों सेव हो चुके होंगे। तो मैं पिकार्ड वाले फ़ोल्डर को ओपन करता हूँ और पिक्चर्स नॉट पिकार्ड, यस। तो ये तीनों हमारा एडिट हो चुका है। इन तीनों को मैं मूव कर लेता हूँ अपने ओरिजिनल फोल्डर में, माय मूवीज़ में, वहाँ मैं मूव कर लो या कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसे मैंने अपने माय मूवीज़ में पेस्ट कर देता हूँ और वहाँ जा कर के हमें क्या करना है, इन तीनों का, हमें इन तीनों का दोस्तों नेम जो होता है इसको रीनेम एक्चुअली जिसे बोलते हैं, तो वो करना है एक एक करके। जैसे मेरा ये पहला हो गया तो इसको आप रीनेम में जाओगे तो इसका जो भी नाम होगा आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और इसके बदले जो भी आपने इसको एडिट किया था उसके नाम को इससे चेंज करना है, ठीक है। तो आपको एक एक करके यहाँ पर, जैसे मैंने इसको कॉपी किया हूँ तो इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसका जो आपने पिकार्ट के थ्रू चेंज किया था उस पर जाएंगे और उसके रीनेम को एडिट करके इसके नाम को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से ओपन हो गया है और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसी तरह से आपको तीनों को एक एक करके बहुत ही केयरफुली करना, किसी का भी नाम दूसरे से पेस्ट मत कर देना है ना। तो केयरफुली सारे के नाम चेंज कर दो। तो इस तरह से ये मेरा ये लास्ट सेक्शन है और इसको मैं वाटरमार्क जो भी इसका नेमिंग मैंने कर चुका हूँ। अब मैं अपना एपीके एडिटर जो भी उसे ओपन कर रहा हूँ और एक एक करके जिसे भी आपने पिकार्ड के थ्रू ओपन किया था तो उसको क्या करना है, रिप्लेस करना है जो भी जिसको भी आपने रीनेम किया, ठीक है। तो उसके भी नाम को बाकायदा अच्छे से मैच करके ही रिप्लेस करना कि किसी का किसी और से रिप्लेस ना हो जाए, ठीक है। तो जैसे मैंने पहला वाला किया है इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, नाम ध्यान से देख लेना, उसी वाले पर क्लिक करके उसको रिप्लेस करना है, ठीक है। पहला वाला से रिप्लेस हो चुका है, इसी तरह आपको दूसरा करना है, इसी तरह आपको तीसरा रिप्लेस करना है, ठीक है। तो ध्यान से ये हमारा हो जाएगा, रिप्लेस करना है इसको, नाम सही है, ठीक है। ये थर्ड वाले से है ना, थर्ड वाले से चेक कर लेते हैं एक बार फिर से, ये थर्ड वाले से रिप्लेस हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा लास्ट बचा जाता है वो लास्ट से, नो डाउट। तो इसको हम लोग लास्ट वाले से रिप्लेस कर लेते हैं। तो ये हमारा रिप्लेस हो चुका है सारा का सारा। रिप्लेस होने के बाद अब बैक चले आओ, बैक होने के बाद आपको क्या करना है, बिल्ट पर करना था। तो बिल्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो आपका वो हो जाएगा, उसको मिनिमाइज़ करके आपका जो पुराना काइनमास्टर है उसको अनइंस्टॉल करना है। ध्यान देना, पुराने काइनमास्टर को अनइंस्टॉल करना है। अनइंस्टॉल करने के बाद जो मिनिमाइज़ किया था आपने एपीके एडिटर में उसको फिर से ओपन करना है। ये मैंने ओपन कर लिया है और फिर से इसको इंस्टॉल करना है जिसको कि हमने रिफर्निश्ड किया कह सकते हो, है ना। तो इसे इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद आप इसको ओपन करो, वीडियो बनाओ, जितने चाहे वीडियो बनाओ विदाउट वाटरमार्क, ठीक है।
तो और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ एक्चुअली ये काइन मास्टर से ही बनाया है, और आप यहाँ पे इसका क्या बोलते हैं वाटरमार्क नहीं देख सकते हो। सो इट्स अ वेरी बिग एग्जांपल फॉर यू। तो आई होप कि आपको ये ट्रिक समझ में आ गया होगा या ये मेथड समझ में आ गया होगा। वीडियो को बार बार देखो, सही में बहुत 101% काम करेगा। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो चुका है, इसको मैं ओपन करता हूँ। ये ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद इसके थ्रू मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना के आपको दिखाता हूँ कि कैसे काम कर रहा है। तो ये होने को है, तो यहाँ पे मैं प्लस वाले साइन पे इंटर करके एमपीटी प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, और एमपीटी प्रोजेक्ट के थ्रू फिर मैं मीडिया खोलता हूँ और किसी भी दो या तीन फ़ोटोज़ को लेकर के बना के आपको दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये दो फ़ोटोज़ ले लेता हूँ और देन क्लिक, और इसे प्ले करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो प्ले हो जाओ भाई। ये देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका वाटरमार्क नहीं है, है ना, कोने पे कोई भी वाटरमार्क नहीं है। सो आई होप कि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो दोस्तों। तो मैंने पहले दो तीन वीडियोज़ बनाए, आप देखना कि इसमें वाटरमार्क है। मैंने फिर से मैंने सोचा कि वाटरमार्क कैसे रिमूव हो, तो मैंने ये सीखा हूँ और आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो तब तक गुड बाय, हैव अ नाइस डे।